हेलो हाय दोस्तों, माई सेल्फ इज मंजीत सिंह और आज आपको मैं आरसीसी का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और आज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ये आरसीसी का बिल्कुल बेस है। हालांकि पहले वाले लेक्चर में मैंने काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आज जो मैं कुछ फॉर्मूले डिराइव करने वाला हूँ बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा ये, जो कि इसी के बेसिस पे आगे आपको अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज आपको आरसीसी समझ में नहीं आएगा। अगर आज का लेक्चर आपने बहुत अच्छे से समझ लिया तो ये मान के चलो कि आरसीसी आपको बहुत ही आसान लगेगा, बहुत ईजी लगेगा। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं और इस फर्स्ट चैप्टर का नाम है आपका सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। तो आज हम केवल सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के बारे में पढ़ेंगे और उससे आपको काफ़ी अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो सिंगली रेनफोर्स्ड बीम क्या होता है? एक ऐसा बीम जिसके केवल एक एरिया में ही मेन बार प्रोवाइड किया जाता है उसे सिंगली रेनफोर्स्ड बीम कहते हैं। एक एरिया का मतलब क्या होता है कि बीम में देखिए दो टाइप के एरिया होते हैं, एक होता है कंप्रेशन एरिया और दूसरा होता है टेंसाइल एरिया। तो हम केवल टेंसाइल एरिया में ही मेन बार प्रोवाइड करेंगे उसे बोलेंगे सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, और जब कंप्रेशन एरिया में भी स्टील प्रोवाइड करते हैं तो उसे बोलते हैं डबली रेनफोर्स्ड बीम। तो आज मैं सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का फॉर्मूला प्रूफ करने जा रहा हूँ। चलिए इसके लिए देखते हैं। तो देखिए ये है आपका क्रॉस सेक्शन सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का, ये है आपका बीम जिसका साइज मान लीजिए इसका वृत्त हो गया आपका बी और टोटल डेप्थ ऑफ बीम कैपिटल डी। बी और डी क्या हो गया? साइज ऑफ बीम। तो एक बार मैं इनको सबको लिखते हुए चलूंगा, इससे आपको और अच्छे समझ में आएगा। बी क्या है आपका? विथ ऑफ बीम, हिंदी में भी लिख देंगे जिससे हिंदी वाले बच्चे जो हैं उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। वैसे आप कोशिश करेंगे कि इंग्लिश में ही इसे लेके चलेंगे, क्योंकि छोटे छोटे टर्म्स आते हैं उनको तो आप इंग्लिश में ही लेके चलिए, ठीक है। कैपिटल डी क्या है? टोटल डेप्थ ऑफ बीम, धरन की कुल गहराई। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक न्यूट्रल एक्सेस होगा। अब इस न्यूट्रल एक्सेस का पोजीशन हमें निकालना होता है कि न्यूट्रल एक्सेस कहां पर होगा। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर बीम आपका होमोजेनियस मटेरियल से बना हुआ है, यानी किसी एक ही मटेरियल से बना हुआ है, तो उसका न्यूट्रल एक्सेस हमेशा मिड पॉइंट पे होता है, यानी बीच में होता है। जैसे स्टील का बीम, टिम्बर का बीम, स्टोन का बीम, इसका जो न्यूट्रल एक्सेस होगा वो बीच में होगा। लेकिन आरसीसी का बीम, अब आरसीसी में क्या होता है, कंक्रीट भी होता है प्लस स्टील बार भी प्रोवाइड किया जाता है, इसलिए इसका जो न्यूट्रल एक्सेस होगा वो बीच में भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। तो उसका हमें पोजीशन निकालना होता है, ठीक है। तो ये एक्स हम मान लेंगे कि माना डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस एक्स है। सबसे पहले मैं जो फॉर्मूला प्रूफ करूंगा आपको वो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस का ही करूंगा, एक्स निकालने का, क्योंकि ये एक्स बहुत काम का चीज़ है और एग्जाम में क्वेश्चन में पूछता भी है कि फाइंड द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस। और बिना न्यूट्रल एक्सेस का डेप्थ निकाले हम आगे कुछ निकाल भी नहीं सकते हैं, इस एक्स का हमेशा यूज होगा। तो इसको निकालेंगे कैसे निकालेंगे मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। तो लिख देता हूं मैं एक्स क्या है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस, डेप्थ ऑफ एन ए, एन ए का मतलब होता है न्यूट्रल एक्सेस, एन ए की गहराई, ठीक है। यह आपका न्यूट्रल एक्सेस एन ए, ओके। अब देखिए मैंने आपसे बोला कि ये सिंगली बीम हम स्टार्ट किए हैं, तो सिंगली बीम में क्या होता है कि केवल टेंसाइल एरिया में ही स्टील प्रोवाइड करते हैं। न्यूट्रल एक्सेस के ऊपर का जो एरिया होता है
इसे बोलते हैं टेंसाइल एरिया। क्या बोलेंगे? टेंसाइल एरिया, सॉरी कंप्रेशन एरिया। और न्यूट्रल एक्सिस के जो नीचे का एरिया होता है ये होता है आपका टेंसाइल एरिया। और स्टील बार हमेशा सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में टेंसाइल एरिया में ही प्रोवाइड करते हैं। क्यों करते हैं? इसका सीधा सा कॉमन सेंस ये है कि हमारा जो कंक्रीट होता है वो कंप्रेसिव लोड को बहुत अच्छे से बियर कर लेता है, लेकिन टेंसाइल लोड को बियर नहीं कर पाता है। तो टेंसाइल लोड को बियर करने के लिए स्टील बार प्रोवाइड किया जाता है। स्टील एक ऐसा मटेरियल होता है जो कंप्रेसिव लोड और टेंशन लोड दोनों को बियर कर लेता है। तो यहाँ पर जो बीम पर कंप्रेशन लोड लगेगा उसे बियर करेगा कंक्रीट, और जो टेंसाइल लोड है उसे बियर करेगा टेंसाइल बार, यानी टेंशन बार, यानी मेन बार आप कह सकते हैं इसे। तो हम नीचे यानी टेंसाइल एरिया में क्या प्रोवाइड करेंगे? स्टील बार। यह है आपका स्टील, ठीक है। अब देखिए ये जो स्टील बार है इसके सेंटर से बीम के ऊपर तक का जो डिस्टेंस होता है इसे बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम, धरन की प्रभावी गहराई। देखिए बीम में दो टाइप का डेप्थ होता है, एक होता है टोटल डेप्थ ऑफ बीम और दूसरा होता है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम। तो टोटल डेप्थ ऑफ बीम आपने देख लिया, ऊपर से लेकर नीचे तक की जो गहराई होगा वो क्या होगा? टोटल डेप्थ ऑफ बीम। और स्टील के सेंटर से ऊपर तक की जो गहराई होगी वो होगा इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम, यानी स्मॉल डी, ठीक है। तो हम अगर हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम? इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम कैसे निकालेंगे? देखिए स्टील के सेंटर से बीम के नीचे तक का जो डिस्टेंस होता है इसे बोलते हैं इफेक्टिव कवर। हमें पता है कि जब भी स्टील बार हम प्रोवाइड करते हैं तो वहां पर कवर ब्लॉक यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? कवर ब्लॉक यूज करते हैं। तो ये है आपका इफेक्टिव कवर। तो टोटल डेप्थ में से इफेक्टिव कवर की जो डिस्टेंस है, डेप्थ है, उसे हम माइनस कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा स्मॉल डी, यानी स्मॉल डी इक्वल टू कैपिटल डी माइनस इफेक्टिव कवर। अब हम सबसे पहले आपको फॉर्मूला बताने जा रहे हैं क्या न्यूट्रल एक्सेस कैसे फाइंड करेंगे। अच्छा, यहां पर ये मान लीजिए आपने जो स्टील बार प्रोवाइड किया इसको मान लीजिए एएसटी है, तो यहां भी लिख देते हैं एएसटी क्या है आपका? एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील इस्पात का क्षेत्रफल, ठीक है। अब हमारा यहां से फॉर्मूला स्टार्ट होता है। सबसे पहला फॉर्मूला हम डिराइव करने जा रहे हैं आपको न्यूट्रल एक्सिस, उदासीन अक्ष। एक बार इसके बारे में मैं आपको फिर से बताऊंगा न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है। एक ऐसा एक्सिस जो बीम को दो एरिया में डिवाइड करता है। कौन कौन से एरिया में डिवाइड करता है? कंप्रेसिव एरिया और टेंसाइल एरिया, ठीक है। इस न्यूट्रल एक्सिस पर देखिए जब भी बीम पर कोई लोड लगेगा ना तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का जो एरिया होता है कंप्रेसिव एरिया, यानी यहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगा, और नीचे का एरिया टेंसाइल एरिया होता है, यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा। लेकिन न्यूट्रल एक्सिस पे कोई भी स्ट्रेस नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं एक ऐसा एक्सिस जिस पर कंप्रेसिव स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस दोनों जीरो होता है उस एक्सिस को बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है?
ऐसा एक्सिस जिस पर कंप्रेसिव स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस दोनों जीरो होता है उसे बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। अभी मैं स्ट्रेस डायग्राम बनाऊंगा तो वहां भी आपको दिखाऊंगा कि स्ट्रेस कैसे जीरो होता है, ठीक है। अब न्यूट्रल एक्सिस दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, क्रांतिक बल शून्य रेखा। देखिए इसका फॉर्मूला मैं अभी नहीं प्रूफ करूंगा, इसका फॉर्मूला मैं सीधे सीधे लिख देता हूं, बाद में प्रूफ कर दूंगा। क्या होता है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला होता है एम सिग्मा सी बी डी अपान एम सिग्मा सी बी प्लस सिग्मा एस टी। क्या होता है एक्स बराबर एम सिग्मा सी बी डी अपान एम सिग्मा सी बी प्लस सिग्मा एस टी, ठीक है। अब एम क्या है, सिग्मा सी बी क्या है, सिग्मा एस टी क्या है, इन तीनों के बारे में हम देख लेते हैं। देखिए एम होता है आपका मॉडुलस रेशियो, इनके बारे में मैं इससे फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, वहाँ पर आप देख लेना इनको, फिर भी मैं एक शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर आपको बता दूंगा, ठीक है। वैसे जनरली हम यहाँ पे दो ग्रेड का यूज करेंगे, दो ग्रेड का कंक्रीट यूज करेंगे, दो ग्रेड का स्टील यूज करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना वो दो दो ग्रेड के ही आते हैं, तो उनके लिए हम याद भी कर सकते हैं और क्वेश्चन में दिए भी होते हैं। अगर नहीं भी दिए हैं, आपको नहीं भी याद है, आप IS कोड अलाउ है इसमें, आप IS कोड वहाँ पर टेबल में चेक देख लीजिए वहाँ से। अगर मान लीजिए कंक्रीट का ग्रेड M15 यूज किया जाता है, अगर M15 ग्रेड का कंक्रीट यूज किया जाता है तो वहां पर मॉडुलस रेशियो यानी स्मॉल m का वैल्यू हो जाएगा 18। अगर M20 ग्रेड का कंक्रीट यूज किया जाता है तो स्मॉल m का वैल्यू हो जाएगा 13.66, ठीक है, या केवल 13 ले सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार सिग्मा सी बी क्या है, सिग्मा सी बी है आपका परमिसिबल स्ट्रेस, या कह सकते हैं परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस, अनुज्ञेय संपीड़न प्रतिबल। चलिए इसको भी याद कर लेते हैं। अगर M15 ग्रेड का कंक्रीट यूज किया जाएगा तो सिग्मा सी बी का वैल्यू हो जाएगा 5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अगर M20 ग्रेड का कंक्रीट यूज किया जाएगा तो सिग्मा सी बी हो जाएगा 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये दो वैल्यू तो आप याद कर ही सकते हैं, याद कर सकते हैं आप। इसी प्रकार सिग्मा एस टी क्या होता है, सिग्मा एस टी होता है आपका परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस, अनुज्ञेय तनन प्रतिबल। जिस प्रकार से हमने सिग्मा सी बी का वैल्यू याद करने के लिए लिख दिया है, वैसे ही आप सिग्मा एस टी का भी वैल्यू याद कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम दो ग्रेड का हम यहाँ पर यूज करेंगे, कौन कौन से ग्रेड का यूज करेंगे, एक तो हो गया आपका Fe 250। क्या हो गया Fe 250। अगर Fe 250 ग्रेड का स्टील यूज किया जाता है, इसी को बोलते हैं माइल्ड स्टील, इसको बोलते हैं माइल्ड स्टील, तो आपका सिग्मा एस टी का वैल्यू हो जाएगा 140 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अगर आप Fe 415 ग्रेड का स्टील यूज करते हैं, इसे बोलते हैं HYSD बार, तो सिग्मा एस टी हो जाएगा 230 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। एक याद करने का मैं आपको और तरीका बता दे रहा हूँ, कैसे, अगर आप मॉडुलस रेशियो का वैल्यू निकालते हैं तो उसके लिए एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, क्या m बराबर 280/3 सिग्मा सी बी।
अब आपको ये नहीं याद करना होगा कि M15 के लिए 18 होता है, M20 के लिए 13 होता है, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप M बराबर 280 बटे 3 सिग्मा सी बी का वैल्यू रख दीजिए और मॉडुलस रेशियो का वैल्यू आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार अगर आपको परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस यानी सिग्मा सी बी चाहिए तो आप क्या काम करेंगे, इसका जो सेफ्टी फैक्टर होता है वो होता है 3, और 3 से डिवाइड कर दीजिए। कहाँ पे डिवाइड करेंगे, जो ग्रेड दिया गया है M15 दिया गया है तो 15 में 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 5 आ जाएगा। 20 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 पॉइंट समथिंग आता है, उसे हम 7 ले लेते हैं। इसी प्रकार आपका जो स्टील का सेफ्टी फैक्टर होता है 1.78 होता है, 1.78 से डिवाइड कर दीजिए किस में, स्टील के ग्रेड में। 250 में 1.78 से डिवाइड कर दीजिए और 415 में 1.78 से डिवाइड कर दीजिए तो 140 से 230 आपको मिल जाएगा। सबसे अच्छा याद करने का तरीका यही है। तो आप इनके सेफ्टी फैक्टर याद कीजिए, कंक्रीट का सेफ्टी फैक्टर होता है 3, स्टील का सेफ्टी फैक्टर होता है 1.78, और मॉडुलस रेशियो निकालने के लिए M = 280/3σcb, सबसे अच्छा फॉर्मूला यही है। आपको समझ में आ गया। चलिए, एक टाइप का क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस हो गया, अब हम एक न्यूट्रल एक्सेस आपको और बता रहे हैं। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस, वास्तविक बल शून्य रेखा। देखिए, एक होता है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस और दूसरा होता है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस। ये एक लाइन का फॉर्मूला है, इसे हम समझेंगे। देखिए किस प्रकार से मैं इसको प्रूफ करता हूँ। इसको प्रूफ करने का तरीका ये है, क्या होता है, मूमेंट ऑफ कंप्रेसिव एरिया इज इक्वल टू मूमेंट ऑफ टेंसाइल एरिया। देखिए, सबसे अच्छा बीम वही माना जाता है कि न्यूट्रल एक्सेस के ऊपर का जो एरिया है कंप्रेसिव एरिया, उसका जो हम मूमेंट निकालें वो नीचे टेंसाइल एरिया के मूमेंट के इक्वल होना चाहिए। इस टाइप के बीम को बैलेंस बीम बोलते हैं। इस केस में क्या होता है ना कि कंप्रेसिव स्ट्रेस और आपका टेंसाइल स्ट्रेस दोनों एक साथ वर्क करते हैं और एक साथ लास्ट में जाके समाप्त हो जाते हैं। इससे हमारा इकोनॉमिकल बीम बनता है, सबसे इकोनॉमिकल यही होता है। तो यहाँ मैं लिखना चाहूँगा मूमेंट ऑफ कंप्रेसिव एरिया इज इक्वल टू मूमेंट ऑफ टेंसाइल एरिया। इतना इम्पॉर्टेंट ये मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ये लाइन बहुत वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये लाइन जो मैंने लिखा हुआ है आने वाले और भी चैप्टर में फार्मूला बनाने के बहुत काम आएगा। क्योंकि हर जगह आप फार्मूले नहीं याद कर सकते हैं, वहाँ मैं अपने माइंड में इसको फिगर को रखूँगा और डायरेक्ट फार्मूले को बना दूँगा। आगे आपको बहुत से ऐसे फार्मूले मिलेंगे जहाँ आप शायद याद नहीं कर पाओगे। तो देखिए, मूमेंट ऑफ कंप्रेसिव एरिया, मूमेंट का फॉर्मूला हम सभी लोग को पता है, क्या होता है, मूमेंट इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पर हमें फोर्स नहीं लेके चलना है, बल्कि क्या लेके चलना है, एरिया। क्योंकि यहाँ पर हम मूमेंट ऑफ फोर्स नहीं निकाल रहे हैं, बल्कि मूमेंट ऑफ एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पर हम एरिया इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके अबाउट में हम यहाँ पर मोमेंट लिए हैं, न्यूट्रल एक्सेस के अबाउट में। तो देखिए क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ कंप्रेसिव एरिया कैसे निकालेंगे, पहले कंप्रेसिव एरिया ले लीजिए। कंप्रेसिव एरिया कितना है, बी इनटू एक्स, यही तो है आपका कंप्रेसिव एरिया। ये एरिया कितना हो जाएगा, बी इनटू एक्स, तो हो जाएगा आपका b इंटू एक्स, एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे लेंगे, जो आपका कंप्रेसिव एरिया है उसके सेंटर से जहां पर आप मोमेंट ले रहे हैं यानी न्यूट्रल एक्सेस पे वहां तक की डेप्थ।
तो ये डेप्थ कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट कितनी है x, तो सेंटर से कितना हो जाएगा x बाई टू इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ टेंसाइल एरिया। अब ये आपका ये टेंसाइल एरिया तो ये पूरा है, लेकिन हम टेंसाइल एरिया में केवल स्टील का एरिया लेके चलते हैं, क्यों, क्योंकि टेंसाइल लोड को बियर करने के लिए कंक्रीट बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, वो लोड को बियर नहीं करता है जो टेंसाइल लोड लगता है, इसलिए यहाँ पर हम कंक्रीट के एरिया को नहीं लेके चलेंगे, केवल स्टील के एरिया को लेके चलेंगे। तो स्टील का एरिया क्या हो जाएगा, ए एस टी, ये हो गया स्टील का एरिया यानी टेंसाइल एरिया। अब टेंसाइल एरिया हो गया इनटू सेंटर से जहाँ पर आप मूवमेंट लिए हो वहाँ तक का डिस्टेंस, तो इसके सेंटर से डिस्टेंस यानी यहाँ से लेके यहाँ तक हम डिस्टेंस लेंगे, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखिए पूरा डिस्टेंस आपका स्मॉल डी है, स्मॉल डी में से एक्स माइनस कर दीजिए, तो टेंसाइल एरिया के सेंटर से एन तक का डिस्टेंस मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, डी माइनस एक्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि जब भी हम टेंसाइल एरिया लेके चलते हैं यानी स्टील का एरिया लेके चलते हैं तो इसे हम कंक्रीट के इक्विवेलेंट बना के लेके चलते हैं, तो कंक्रीट के इक्विवेलेंट एरिया बनाने का तरीका क्या होता है कि जो ए एस टी है इसमें हम मॉडुलस रेशियो एम का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये हमारा स्टील का एरिया नहीं है बल्कि कंक्रीट के एरिया में कन्वर्ट हो गया ये, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, बी एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू एम ए एस टी डी माइनस एक्स, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि एग्जाम में भी आएगा, वहां पर पूछा जाएगा कि न्यूट्रल एक्सेस फाइंड कीजिए, तो जब न्यूट्रल एक्सेस पूछा जाए आपसे तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए दो टाइप के न्यूट्रल एक्सेस आप निकालेंगे, एक तो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस और दूसरा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस, तो फॉर्मूला आपके पास दोनों है। क्रिटिकल का फॉर्मूला हो गया x इजिकल टू एम सिग्मा सी बी डी अपॉन एम सिग्मा सी बी प्लस सिग्मा एस टी, और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस का फॉर्मूला हो गया बी एक्स स्क्वायर अपॉन टू इजिकल टू एम ए एस टी डी माइनस एक्स। बहुत अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका ये, ये दोनों फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज होंगे और इनके क्या क्या यूज होंगे आगे मैं वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका न्यूट्रल एक्सेस। अब आगे मैं चलता हूँ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनाऊंगा, ठीक है। देखिए आरसीसी लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा टफ होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बहुत ध्यान से समझिए मेरा लेक्चर, एक एक लेक्चर आप देखिए, अगर नहीं समझ में आता है तो दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, वैसे जहाँ तक मैं जानता हूँ एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको एक बार मेरा फॉर्मूला समझ में आ गया ये, तो मैं बता रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगेगा ये आरसीसी, आरसीसी से इजी कोई सब्जेक्ट लगेगा ही नहीं। अब ये दो फॉर्मूले मैं आपको और बताऊंगा, अगर वो आपको समझ में आ गया तो आपका आरसीसी ये मान के चलो ये चैप्टर आपका हो गया, और जब अगर ये चैप्टर समझ में आ गया तो आने वाले और भी चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे फिर, ठीक है। चलिए अब हम निकालेंगे मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस देखिए, अगर यहाँ पे दो टाइप के लोड होते हैं जैसे कंप्रेसिव लोड हुआ टेंसाइल लोड हुआ, तो दो प्रकार के मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी होंगे, यानी कंप्रेसिव लोड को बियर करने के लिए वहाँ पर एक मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अलग होगा और टेंसाइल लोड को बियर करने के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अलग होगा, तो हम दोनों एरिया के लिए अलग अलग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि दोनों एरिया अलग अलग टाइप के लोड लगेंगे और इनका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है। देखिए अगर मान लीजिए कंप्रेसिव लोड को बियर करने के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमारा बहुत है, लेकिन टेंसाइल एरिया में जो लोड लगा हुआ वहाँ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कम हो गया, तो बीम आपका टेंसाइल एरिया में फेल हो जाएगा, फाइनली बीम आपका फेल हो जाएगा, यानी हमारा किसी भी एरिया में
बीम फेल होना नहीं चाहिए, हमें ऐसा बीम बनाना चाहिए कि मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दोनों का इक्वल हो, यानी कंप्रेसिव एरिया का भी और टेंसाइल एरिया का भी दोनों का मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। तो चलिए पहले मैं निकालता हूं मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन कंप्रेसिव एरिया, देखते हैं कंप्रेसिव एरिया में मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा। तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता दूं, वही फॉर्मूला मोमेंट बराबर क्या होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, लेकिन यहां पर हमें फोर्स नहीं मालूम है, तो फोर्स बराबर क्या होता है एरिया इनटू स्ट्रेस। एरिया अब जब कंप्रेसिव एरिया में हम निकालेंगे तो यहां कौन सा एरिया लेंगे, कंप्रेसिव एरिया लेंगे इनटू स्ट्रेस, कौन सा स्ट्रेस लेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस लेंगे इनटू, यहां पर जो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेके चलते हैं वो लेके चलते हैं लीवर आर्म। ये लीवर आर्म के बारे में भी आपको बताऊंगा क्या होता है, तो इसी पे यहीं पर आप वैल्यू रख दीजिए आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मिल जाएगा। देखो एक लाइन का है फॉर्मूला आपका ये, तो पहले मैं कह रहा था आपको लीवर आर्म, मैं आपको बता देता हूं पहले लीवर आर्म क्या होता है, इसके लिए पहले मैं स्ट्रेस डायग्राम एक बनाऊंगा तब आपको ही समझ में आएगा लीवर आर्म क्या होता है। जब स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे तो ये हो गया न्यूट्रल एक्सेस आपका, यहां पर टेंसाइल एरिया के सेंटर तक ही बनाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी इसका स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे तो स्टील एरिया के सेंटर तक ही बनाते हैं। ये हो गया आपका स्ट्रेस डायग्राम। अब ये स्ट्रेस डायग्राम मैंने बनाया कैसे वो मैं आपको समझा दूं। देखिए बीम पर क्या होता है ना, ऊपर सबसे ज़्यादा कंप्रेसिव लोड लगता है और फिर जैसे जैसे आप नीचे आएंगे न्यूट्रल एक्सेस की तरफ वैसे वैसे आपका कंप्रेसिव लोड कम होता हुआ चला जाएगा, यानी कंप्रेसिव स्ट्रेस भी कम होगा और लीवर आर्म पर आकर के आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस जीरो हो जाएगा और यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस भी जीरो है और यहीं से स्टार्ट हो जाता है टेंसाइल स्ट्रेस इंक्रीज होना। तो यहाँ से आपका टेंशन लोड बढ़ता हुआ चला आएगा और नीचे टेंसाइल लोड सबसे ज़्यादा लगेगा तो नीचे टेंसाइल स्ट्रेस भी सबसे ज़्यादा होगा, यानी हम कह सकते हैं कि बीम पे सबसे ऊपर कंप्रेसिव लोड सबसे ज़्यादा लगता है इसलिए कंप्रेसिव स्ट्रेस सबसे ज़्यादा होता है और सबसे नीचे टेंसाइल लोड ज़्यादा लगता है इसलिए यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस सबसे मैक्सिमम होता है और न्यूट्रल एक्सिस पे कंप्रेसिव स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस दोनों जीरो होता है। मैंने बात किया था ना लीवर आर्म क्या होता है, तो लीवर आर्म मैं आपको बता दूं, लीवर आर्म का डेफिनेशन होता है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कंप्रेसिव एरिया एंड सेंटर ऑफ टेंसाइल एरिया, यानी कंप्रेसिव एरिया का जो सेंटर है और टेंसाइल एरिया का जो सेंटर है उसके बीच की हाइट को बोलते हैं लीवर आर्म। देखिए ये है आपका कंप्रेसिव एरिया, कंप्रेसिव एरिया का सेंटर यहाँ पर है और टेंसाइल एरिया का सेंटर कहाँ पर है, यहीं पर है क्योंकि हमने सेंटर पे ही ये लाइन खींचा हुआ है यानी यहाँ तक, इनके बीच का ये डिस्टेंस कहलाता है लीवर आर्म। इसे जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे जेड से, जेड बराबर कैसे निकालेंगे देखिए आप, जेड बराबर हो जाएगा, अब देखिए इनके बीच का सेंटर क्या है, देखिए ये आपका यहां से लेके यहां तक स्मॉल डी होता है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम होता है और ये आपका क्या है न्यूट्रल एक्सेस है एक्स तक। ठीक है, हमें मालूम है ये राइट एंगल बन गया और राइट एंगल का जो सेंटर होता है वो कितना होगा, ये x बाई थ्री होगा। अगर पूरा बेस इसका x है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा x बाई थ्री। अब हमें z का वैल्यू निकालेंगे, देखो हम आसानी से निकाल सकते हैं कि नहीं,
ये पूरा आपका कितना है d माइनस एक्स बाई थ्री, यानी यहां से लेके यहां तक d है और यह x बाई थ्री, तो d में से x बाई थ्री माइनस कर देंगे तो लीवर आर्म मिल जाएगा, यानी z बराबर क्या हो जाएगा d माइनस एक्स बाई थ्री। इसे हिंदी में बोलते हैं उत्तोलक भुजा, उत्तोलक भुजा। तो हमें लीवर आर्म मिल गया। अब कंप्रेसिव एरिया और कंप्रेसिव स्ट्रेस दोनों देख लेते हैं, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, अब देखिए यहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेस यानी सिग्मा सी बी होगा, फिर यहाँ सिग्मा सी बी कम होता होता लास्ट में जीरो हो जाएगा, यहाँ से टेंसाइल एरिया स्टार्ट होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा सिग्मा एस टी। लेकिन कंक्रीट के इक्विवेलेंट बनाने के लिए टेंसाइल एरिया का जो यानी स्टील का जो टेंसाइल स्ट्रेस है उसमें हम मॉडुलस रेशियो से डिवाइड कर देते हैं, यानी यहाँ पर जो स्ट्रेस होगा वो सिग्मा एस टी बाई एम होगा। चलिए अब हम बना सकते हैं, देखिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा कंप्रेसिव एरिया इंटू कंप्रेसिव स्ट्रेस इंटू लीवर आर्म। अब हमें इस डायग्राम से इस फिगर से हमें कंप्रेसिव एरिया और कंप्रेसिव स्ट्रेस दोनों ले लेना है। कंप्रेसिव एरिया कितना है देखिए b इंटू एक्स, तो ये हो गया b इंटू एक्स इंटू कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना हो जाएगा देखिए, ये पूरा है कंप्रेसिव स्ट्रेस हमें लेना है, यहाँ पर सिग्मा सी बी है, यहाँ पे जीरो है और हमें पूरा लेके चलना है, तो कैसे ले लेंगे इनका एवरेज निकाल लेंगे, सिग्मा सी बी प्लस जीरो बाई टू, सिग्मा सी बी प्लस जीरो बाई टू इंटू लीवर आर्म कितना है z, तो एम आर इज इक्वल टू बी एक्स सिग्मा सी बी बाई टू इंटू जेड, जेड बराबर क्या है d माइनस एक्स बाई थ्री। ये फॉर्मूला बन गया मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन कंप्रेसिव एरिया, एम आर इज इक्वल टू क्या हो गया बी एक्स सिग्मा सी बी बाई टू इंटू डी माइनस एक्स बाई थ्री। बहुत अच्छा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपके पूरे आरसीसी में इस फॉर्मूले का यूज होगा, दो तो न्यूट्रल एक्सेस का फॉर्मूले का यूज होगा और दो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का यूज होगा। इसी प्रकार अब हम फॉर्मूला बनाएंगे मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन टेंसाइल एरिया, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, क्या हो जाएगा मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बराबर, अब कंप्रेसिव एरिया इंटू कंप्रेसिव स्ट्रेस यहां पे था ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा टेंसाइल एरिया इंटू टेंसाइल स्ट्रेस इंटू लीवर आर्म। अब टेंसाइल एरिया कितना है, टेंसाइल एरिया है आपका ए एस टी, लेकिन मैंने अभी आपको बताया था कि जब यहां पर ए एस टी हम जब भी लेंगे ना तो वहां पर m का मल्टीप्लाई करके लेते हैं, क्यों कंक्रीट के इक्विवेलेंट बनाने के लिए, इनटू टेंसाइल स्ट्रेस कितना ले लेंगे सिग्मा एस टी बाई एम। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि यहां पर हमने स्ट्रेस सिग्मा एस टी बाई लिया, इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहां पर तो कंक्रीट यूज किया गया है, कंक्रीट का हम एरिया नहीं लेके चलेंगे ना उसका स्ट्रेस लेके चलेंगे, हमारा जो स्टील है उसका जो स्ट्रेस है वो तो नीचे है ना सिग्मा एस टी बाई एम, तो यहां हम नहीं लेके चलेंगे इनटू लीवर आर्म जेड, तो ये हो जाएगा एम से एम कैंसिल हो जाएगा ए एस टी इंटू सिग्मा एस टी इंटू डी माइनस एक्स बाई थ्री, ये दूसरा फॉर्मूला बन गया। तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन टेंसाइल एरिया क्या हो जाएगा एम आर इज इक्वल टू ए एस टी इंटू सिग्मा एस टी इंटू डी माइनस एक्स बाई थ्री, ये दो फॉर्मूले ये हो गए, दो फॉर्मूले आपके लिए न्यूट्रल एक्सेस के हो गए, चार फॉर्मूले हैं, इसके अलावा कोई भी फॉर्मूले अब नहीं मिलेगा। अब हमें न्यूमेरिकल लगाना है, इसमें तीन चार टाइप के प्रॉब्लम आपके मिलेंगे, वो एक एक टाइप के प्रॉब्लम हम करेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं ज़्यादा नहीं तीन से चार क्वेश्चन लगाऊंगा, उन्हीं तीन चार क्वेश्चन में से ही एक क्वेश्चन एग्जाम में आपका आता है, चाहे एस एस सी जेई का सेकेंड पेपर आप ले लीजिए या बी टी यू पी बोर्ड में आपका जो है आर सी सी का पेपर ले लीजिए, और या तो कोई भी बी टेक का पेपर, यानी कोई भी अगर आपको इस चैप्टर से पूछा जाएगा तो इससे मैंने तीन चार क्वेश्चन जो बताऊँगा वही क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा कोई भी आने वाला नहीं है।
थोड़ा सा इसके बारे में और कुछ समझाता हूँ मैं, इनका यूज कैसे करेंगे आप, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं मैं कि दो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो मैंने बना लिया, लेकिन कौन सा फॉर्मूला कब और कहां यूज करना है वो देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं मैं, देखिए ध्यान से। देखिए एक्स ए और एक्स सी, देखिए मैंने दो न्यूट्रल एक्सिस बताया था आपको, दोनों जगह मैंने उसे एक्स से डिनोट किया, लेकिन यहाँ पर मैंने अलग अलग दोनों को नाम दे दिया। एक्स ए, ए का मतलब होता है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, और एक्स सी का मतलब होता है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। आप सबसे पहले क्वेश्चन में एक्स सी और एक्स ए निकाल लेंगे, यानी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस आप निकाल लेंगे, उसके बाद दोनों में कंपेयर करेंगे। अगर एक्स ए का वैल्यू एक्स सी से ज़्यादा होता है, इफ़ एक्स ए इज़ ग्रेटर देन एक्स सी, तो इस टाइप के बीम को आप बोलेंगे ओवर रेनफोर्स्ड बीम। क्या बोलेंगे? ओवर रेनफोर्स्ड बीम, इसे हिंदी में बोलते हैं अति प्रबलित धरण। ओवर रेनफोर्स्ड का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि यहाँ पर स्टील ज़्यादा डाली गई है। स्टील ज़्यादा डालने का मतलब क्या होता है कि अब हमारा यहाँ जो बीम फेल होगा वो कंक्रीट के वजह से फेल होगा। किसकी वजह से फेल होगा? कंक्रीट के वजह से फेल होगा, यानी कंक्रीट यानी कंप्रेसिव एरिया में फेल होगा, और जिस एरिया में फेल होता है उसी का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम निकालते हैं, क्योंकि हमारा बीम तो उसी पे फेल होने वाला है ना जिसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कम होगा। अगर हम टोटल बीम की बात करें कि उसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, तो जो सबसे कम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा वही हमारा पूरे बीम का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस माना जाएगा। तो एक्स ए इज ग्रेटर देन एक्स सी, यानी ओवर रेनफोर्स्ड बीम होगा, तो यहाँ पर हम जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे कंप्रेसिव एरिया का निकालेंगे, यानी फॉर्मूला लगाएंगे बी एक्स सिग्मा सी बी बाई टू इंटू डी माइनस एक्स बाई थ्री। यदि एक्स ए इज लेस देन एक्स सी, तो इस प्रकार के बीम को बोलेंगे अंडर रेनफोर्स्ड बीम, हिंदी में बोलते हैं अल्प प्रबलित धरण। तो अल्प प्रबलित का मतलब क्या होता है कि यहां पर स्टील के एरिया में ही आपका बीम फेल होने वाला है, यानी टेंसाइल एरिया में बीम आपका फेल होगा, और जिस एरिया में फेल होता है उसी का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम यहां पर यूज करते हैं। यानी टेंसाइल एरिया का हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लेके चलेंगे एम आर इज इक्वल टू ए एस टी इंटू सिग्मा एस टी इंटू डी माइनस एक्स बाई थ्री। अगर मान लीजिए दोनों इक्वल हो गया तो इस टाइप के बीम को बोलेंगे बैलेंस्ड बीम। सबसे इकोनॉमिकल सबसे अच्छा बीम यही होता है जहां पर एक्स ए और एक्स सी दोनों कैसे हो, इक्वल हो। इस केस में दोनों मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बराबर हो जाएगा, यानी आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बी एक्स सिग्मा सी बी बाई टू इंटू डी माइनस एक्स बाई थ्री यूज कीजिए, या ए एस टी इंटू सिग्मा एस टी इंटू डी माइनस एक्स बाई थ्री। अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ओवर एनफोर्स्ड को तो मैंने बता दिया कि यहाँ पर स्टील ज़्यादा डाली गई है, और अंडर एनफोर्स्ड का मतलब होता है स्टील कम डाली गई है। एक्चुअल में स्टील कम ज़्यादा डालने का वो एक समझाने का तरीका होता है। सही चीज़ तो ये है कि ओवर एनफोर्स्ड का मतलब होता है कि अति प्रबलित स्टील ज़्यादा डाली गई है, यानी क्या होगा कि कंप्रेसिव एरिया में जो आपका स्ट्रेस है वो जल्दी समाप्त हो जाएगा, और स्टील में जो आपका स्ट्रेस है वो जल्दी समाप्त नहीं होगा। यानी अगर एक पर्टिकुलर टाइम की बात करें हम, जैसे मान लीजिए हमने बीम बनाया और 10 साल के बाद मैं देख रहा हूँ, 10 साल के बाद मैं देख रहा हूँ कि सिग्मा सी बी आपका जीरो हो गया, लेकिन सिग्मा एस टी जीरो नहीं हुआ, अभी वहाँ पर वो बचा हुआ है,
तो आपका कंप्रेसिव एरिया में बीम पहले फेल हो गया, तो हम क्या काम करेंगे, कंप्रेसिव एरिया का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लगाएंगे। इसी प्रकार अंडर एनफोर्स्ड में क्या होता है कि कंप्रेसिव स्ट्रेस तो जीरो नहीं हुआ, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेस आपका जीरो हो गया, यानी टेंसाइल एरिया में ही फेल होने वाला है, तो वहाँ पर हम क्या काम करेंगे कि टेंसाइल एरिया का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लगा देंगे। एक बहुत अच्छा सा तरीका मैं याद आपको बताने जा रहा हूँ, याद करने का तरीका, कि कब हम कंप्रेसिव एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे, कब टेंसाइल एरिया का। हालांकि मैंने आपको सब कुछ लिख दिया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं एक्स ए इज ग्रेटर देन एक्स सी, तो वहाँ पर आप कंप्रेसिव एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर एक्स ए इज लेस देन एक्स सी तो वहाँ पर टेंसाइल एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर दोनों इक्वल है तो दोनों में आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। चलिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको अच्छा सा, लेस टी मोर कॉफी, बहुत अच्छा सा ट्रिक है ये, लेस टी मोर कॉफी। यदि एक्स ए का वैल्यू लेस माने कम हो, एक्स ए का वैल्यू लेस माने कम हो, तो टी टी से क्या होता है, टेंसाइल एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए एक्स ए यहाँ पर कम है तो कौन सा फॉर्मूला यूज किए हैं, टेंसाइल एरिया का, जहाँ पे टी यूज किया गया है, देखो ए एस टी टी आ गया, सिग्मा एस टी टी आ गया, और दूसरा चीज़ ये है कि टेंसाइल एरिया, टी से टेंसाइल एरिया भी होता है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। मोर कॉफ़ी, मोर माने क्या होता है, ज़्यादा, एक्स ए जब ज़्यादा है तो सी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, सी से क्या होता है, कंप्रेसिव एरिया। देखिए जब एक्स ए ज़्यादा है तो कौन सा फॉर्मूला आपने यूज किया, कंप्रेसिव एरिया का, और सी से क्या होता है, देखो यहाँ पे सी यूज किया गया है, बी एक्स सिग्मा सी बी, बी एक्स सिग्मा सी बी, यहाँ पर भी टी नहीं यूज किया गया, जैसे यहाँ पर देखिए ए एस टी इंटू सिग्मा एस टी था, है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, टी नहीं है बल्कि सी यूज किया गया है, तो बी एक्स सिग्मा सी बी, सी शब्द यूज किया गया है, आप ऐसे जान सकते हैं। इसमें देखिए टी यूज किया गया तो सिग्मा एस टी है, और यहाँ पे सी यूज किया गया है तो सिग्मा सी बी है, और वैसे भी सी से कंप्रेसिव एरिया होता है, तो वो फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे। बहुत अच्छा ट्रिक है ये, ठीक है। तो ये आपके चार फॉर्मूले थे, दो न्यूट्रल एक्सेस के और दो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के। इसके अलावा आपको पांचवा कोई फॉर्मूला इस चैप्टर में यूज होने वाला नहीं है। एक और है परसेंटेज ऑफ स्टील निकालने का, वो तो एक कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं, वो हम आगे क्वेश्चन में ही बता देंगे आपको। तो मैं तो समझता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, अगर ये लेक्चर आपको नहीं समझ में आता है आप इसे दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, इसको तब तक देखिए जब तक आपको समझ में न आ जाए। अगर ये समझ में आ गया तो आपको RCC 101% में गारंटी ले रहा हूँ कि बहुत अच्छे समझ में आएगा, बहुत ईजी लगेगा आपको, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि दो न्यूट्रल एक्सेस होते हैं, एक होता है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस, दूसरा होता है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस। क्रिटिकल का फॉर्मूला होता है एक्स बराबर एम सिग्मा सी बी डी अपान एम सिग्मा सी बी प्लस सिग्मा एस टी। एक्चुअल का फॉर्मूला होता है बी एक्स स्क्वायर अपान टू बराबर एम ए एस टी डी माइनस एक्स। और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के दो फॉर्मूला होते हैं, एक मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन कंप्रेसिव एरिया बी एक्स सिग्मा सी बी बाई टू इंटू डी माइनस एक्स बाई थ्री, और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन टेंसाइल एरिया होता है सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस एक्स बाई थ्री। ये चार फॉर्मूले हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो आगे भी आप वीडियो देखते रहिए, और इस तरीके से मैं अगला भी लेक्चर अभी लेके आने वाला हूँ, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगवाऊंगा और बहुत अच्छे समझ में आपको आएगा, ठीक है। ओके।